अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इफ्तारी का व्लॉग, और ये मैंने बूंदियाँ डिप की हैं दही भल्ले बनाने के लिए। और आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, क्योंकि हमने ये नेबर्स में भी बांटनी है। और इसी में मैंने ऐड करने के लिए आलू उबाल के काट लिए बारीक। मेरे हस्बैंड भी आज मेरी हेल्प करवा रहे हैं, तो वो अच्छा लगता है मुझे उनके काम करना। और अब मैं चाट बनाने लगी हूँ। मैंने इसमें खरबूजे पहले से काट लिए और सेब पहले से काट लिए, और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ बनाना। बनाना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं चाट में, और मुझे मैंगो भी बहुत अच्छे लगते हैं। इनसे ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है चाट में। बाद में मैंने इसके अंदर जूस भी ऐड किया था, और मैं इसमें चने भी डालती हूँ वाइट वाले, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं वो। अब मैं इसे मैंगो ऐड कर दूंगी, और मैंगो बहुत अच्छे थे स्वीट, तो इससे चाट का टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था। वैसे तो सारे फल ही चाट में अच्छे लगते हैं, लेकिन रमज़ान में फलों के रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमारी बहुत ही अच्छी रिलेटिव है, वो हमारे लिए संतरे का शरबत लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं वो ट्राई करती हूँ। बहुत ही अच्छा बना था, और ये इनको होममेड था। तो इसके अलावा मैंने जामे श्री बनाया था जो हमने अपने नेबर्स वगैरह में भेजा। और अभी मैंने पकौड़ों की तैयारी शुरू कर दी है। इससे मैंने बेसन में सारे मसाले डाल दिए जो डलते हैं, आपको तो पता ही, नमक और मिर्चें हैं, साबुत धनिया है, और अजवाइन वगैरह और भी चीज़ें। इसके साथ ही मैंने आलूओं को क्रश करके रख लिया बारीक, वो भी मैं इसी में ऐड करूँगी। ये मैंने वो आलू उसके अंदर डाल दिए हैं, फिर मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। बहुत ही अच्छे पकोड़े बने थे। देखा आपने कितने सारे पकौड़े बना रहे हैं, आपने बांट के आने हैं नेबर में। ठीक है ठीक है, बाजार से और भी डिफरेंट चीज़ें मंगवाई थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मैं वीडियो पूरी नहीं बना सकी, तो बस इतनी ही वीडियो मैं बना सकी हूँ।
मुझे हाथ से पकोड़े डालना अच्छे लगते हैं, इससे उनकी शेप बहुत अच्छी आती है, तो मुझे तो शुरू से ऐसे ही डालना अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा ये सब कुछ ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।